ओम शांति। आज 5 नवंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा हमारी अवस्था को अच्छा बनाने के लिए बहुत सुंदर रूहानी यात्रा सिखा रहे हैं। चलते फिरते ये बात याद रहे, मैं रूहानी यात्री हूँ, मुझे वापस घर जाना है। बाबा ने आकर मन मना भव मध्याजी भव का बहुत सुंदर मंत्र दिया है। घर गृहस्थ में रहते भी बेहद का सन्यासी बनना है, ना तो घर बार छोड़ना है, ना कारोबार छोड़ना है, ना ही किसी से नफरत करनी है, लेकिन घर गृहस्थ में रहते भी दूसरों को आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। कहीं भी जाते हो उन्हें स्मृति दिलाओ। बाबा स्वयं कहते हैं, देह सहित देह के सब धर्म त्याग, अपने को आत्मा निश्चय कर, मुझे याद करो। देह और देह के सब संबंधों को भूलकर एक को याद करेंगे तो ये रूहानी यात्रा है जिससे आत्मा पावन बनती है। घर गृहस्थ में रहते भी नष्टो मोहा बनना है, किसी में भी मोह नहीं रखना। जिन्हें ये स्मृति है अब घर जाना है, वो नष्टो मोहा बन जाते हैं। स्वधर्म की याद दिलाते बाबा ने कहा, ये याद करो कि मैं शांत आत्मा हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है, मुझे साइलेंस में रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें ग्रस्त व्यवहार में रहते सबसे तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते सभी से तोड़ निभाना है। एक बार बेहद का संन्यास कर 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है। सतयुग के 8 जन्म, त्रेता युग के 12 जन्म, एक संगम युग का, ये 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। क्वेश्चन है, चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। चलते फिरते कौन सी एक बात याद रहे तो भी तुम रूहानी यात्रा पर हो। चलते फिरते याद रहे हम एक्टर हैं, हमें वापस घर जाना है। बाप यही याद दिलाते बच्चे, मैं तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। इस स्मृति में रहना ही मन मना भव मध्याची भव है। यही रूहानी यात्रा है जो तुम्हें बाबा सिखाते हैं। मन मना भव मध्याची भव, यही यात्रा है जो बाबा सिखाते हैं। दूसरा प्रश्न है, सद्गति के लक्षण कौन से हैं। सद्गति के लक्षण कौन से हैं? सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, ये जो महिमा है यही सद्गति के लक्षण है जो तुम्हें बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। गीता, धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। बच्चे नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं कि पुराना नाटक पूरा होता है। दुख के दिन बाकी कुछ घड़ियां हैं, फिर सदा सुख ही सुख होगा। जब सुख का पता पड़ता है तब समझा जाता है ये दुख धाम है, दोनों में बहुत अंतर है। अभी सुख के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो अथवा श्रीमत पर चल रहे हो, कोई को भी समझाना सहज है। अभी बाबा के पास जाना है, याद दिलाना, अभी बाबा के पास जाना है, बाबा लेने आया है। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है, तोड़ जरूर निभाना है। अगर तोड़ ना निभाया तो जैसे सन्यासियों मिसल हो गए, जो तोड़ नहीं निभाते उनको निर्वृत्ति मार्ग अथवा हठ योग कहा जाता। अभी भगवान राजयोग सिखाते हैं जो हम सीखते हैं। भारत का धर्मशास्त्र है गीता, सन्यासियों का है हठ योग, घर बार छोड़ जंगल में चले जाना, उनको जन्म बाई जन्म सन्यास करना पड़ता है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते एक बार सन्यास करते हो, फिर 21 जन्म उनकी प्रारब्ध पाते हो। उनका है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास।
तुम्हारे राजयोग का बहुत गायन है। भगवान ने राजयोग सिखाया था। भगवान ऊंचे से ऊंचे को कहा जाता। श्री कृष्ण भगवान हो ना सके, बेहद का बाप है निराकार। बेहद की बादशाही वही दे सकते हैं। यहाँ ग्रस्त व्यवहार से नफरत नहीं की जाती। बाबा कहते हैं अंतिम जन्म ग्रस्त व्यवहार में रहते पवित्र बनो। पतित पावन कोई सन्यासी को नहीं कह सकते, वह भी पावन दुनिया चाहते हैं। वह दुनिया है एक जिसके लिए पतित पावन बाप को बुलाते, जबकि वो ग्रस्त व्यवहार में नहीं है तो देवताओं को भी नहीं मानेंगे। वो कभी राजयोग सिखा ना सके, ना बाप कभी हठ योग सिखा सके। ये समझने की बातें हैं। अब दिल्ली में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होनी है, वहाँ ये समझाना है, लिखत में देना है। लिखत में होगा तो सब समझ जाएंगे। अब हम ऊंच से ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं, वो हैं शूद्र कुल के। हम हैं आस्तिक, वो है नास्तिक। वो है ईश्वर को ना जानने वाले, हम हैं ईश्वर से योग रखने वाले। तो मतभेद है ना, बाबा का आस्तिक बनाते हैं। बाप का बनने से बाप का वर्षा मिल जाता है, बाबा का बनने से बाबा का वर्षा मिल जाता है। ये बड़ी पेचीली बातें हैं, पहले पहले बुद्धि में बिठाना है। गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, उसने आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन किया। भारत का देवी देवता धर्म ही मुख्य है। भारतवासी अपने धर्म को भूल गए, ये भी तुम जानते हो। भारतवासियों को ड्रामानुसार अपना धर्म भूलना ही है, तब बाबा आकर फिर से धर्म स्थापन करे, नहीं तो बाप कैसे आए। कहते जब जब देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है मैं तब आता हूँ। प्रायलोप भी जरूर होना है। कहते हैं बैल की एक टांग टूट गई, बाकी तीन टांगों पर दुनिया खड़ी है। मुख्य है ही चार धर्म। अभी देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, अर्थात वो धर्म गुम हो गया। इसलिए बड़ के झाड़ का मिसाल देते हैं कि फाउंडेशन सड़ गया, बाकी टाल टालियाँ खड़ी हैं। तो इसमें फाउंडेशन देवी देवता धर्म का है नहीं, बाकी मठ पंथ आदि बहुत खड़े हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारी रोशनी है। बाबा कहते तुम बच्चे इस ड्रामा के राज को जान गए हो, सारा झाड़ पुराना हो गया। कलयुग के बाद सत्ययुग को आना है जरूर, चक्र को फिरना है जरूर। बुद्धि में रखना है अब नाटक पूरा हुआ हम जा रहे हैं। नाटक पूरा हुआ हम अब जा रहे हैं, चलते फिरते याद रहे अब हमें वापस जाना है। मन मना भव मध्याजी भव का यही अर्थ है। कोई भी बड़ी सभा में भाषण आदि करना है तो यही समझाना है। परम पिता परमात्मा फिर से कहते हैं बच्चे देह सहित देह के सब संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो पाप दग दोगे। मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो, मुझे याद करो। घर ग्रस्त में रहते पुष्प समान रहो, मुझे याद करो। पवित्र रहो, नॉलेज को भी धारण करो। अभी सब दुर्गति में है। सत्ययुग में देवताएं सदगति में थे, फिर बाबा आकर सदगति करते हैं। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, ये है सदगति के लक्षण। ये लक्षण कौन देते हैं? बाप देते हैं। उसके लिए लक्षण क्या है? बाबा के लक्षण क्या है? ज्ञान का सागर। टिक जाएंगे कुछ पल के लिए, ज्ञान का सागर, शांति का सागर, प्यार का सागर। 5 सेकंड एकाग्र होके देखें बाबा को। बाबा ने कहा बाबा के लक्षण है ज्ञान सागर, शांति सागर, प्यार सागर। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कि सब एक ही एक हैं। एक बाप है, हम सब आत्माएं बच्चे हैं। अब नई रचना रची जाती, हम प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु वो लोग इन बातों को समझ नहीं सकते। ब्राह्मण वर्ण सबसे ऊंच है, भारत के ही वर्ण गाए जाते। 84 जन्म लेने में इन वर्णों से पास करना होता है। ब्राह्मण है ही संगम पर। अच्छा साइलेंस बहुत अच्छी है। शांति का हार तो गले में पड़ा है।
एक रानी की कहानी है ना। अब शांति धाम अपना घर बहुत याद आता है, चाहते हैं वह शांति घर में जाएं, सब चाहते शांति धाम घर में जाएं, परंतु रास्ता कौन बताएंगे, शांति के सागर बाप के सिवाय कोई बता न सके। बाप की महिमा अच्छी है, शांति का सागर, आनंद का सागर, सुख का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, कितना रात दिन का फर्क है। श्री कृष्ण को सृष्टि का बीज रूप कह नहीं सकते। बाप की महिमा अलग है, सर्वव्यापी कहने से महिमा सिद्ध नहीं होती। ऐसे भी नहीं कि परमात्मा बैठ अपनी पूजा करेंगे, परमात्मा सदैव पूज्य है, वो कभी पुजारी नहीं बनता। ऊपर में जो भी आते हैं वो पूज्य से पुजारी बनते हैं। पॉइंट्स तो बहुत हैं, अब देखो आते तो कितने ढेर हैं, निकलते कोटों में कोई है, क्योंकि मंजिल बहुत ऊंची है। प्रजा तो ढेर बनती रहेगी, परंतु कोटों में कोई माला का दाना बनते हैं। प्रजा तो ढेर बनेगी, कोटों में कोई माला का दाना बनते हैं। नारद का मिसाल है, तुम अपनी शक्ल देखो, लक्ष्मी को वरने लायक हो, राजा तो थोड़े बनेंगे। एक राजा की ढेर प्रजा बनती है, पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच बनने का। राजाओं में भी कोई बड़ा कोई छोटा, भारत के कितने राजाएं हैं, कितनी राजाइयां चलती आती हैं। सत्युग में भी बहुत राजाएं महाराजाएं होते हैं, महाराजाओं के फिर प्रिंस प्रिंसेस भी होते हैं, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी होती, राजाओं के पास कम प्रॉपर्टी होती। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, अभी राजधानी स्थापन हो रही है, यह है श्री लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। यह है लक्ष्मी नारायण बनने की नॉलेज, उसके लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। पूछते हैं लक्ष्मी नारायण का पद पाएंगे या राम सीता का, सब कहते हैं लक्ष्मी नारायण का। बाप से पूरा वर्षा लेंगे, वंडरफुल बातें हैं, और कोई जगह ये बातें नहीं हैं, ना कोई शास्त्र में ही हैं। अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, बाबा समझाते, चलते फिरते अपने को एक्टर समझो। क्या समझेंगे, मैं आत्मा एक्टर हूँ। अब हमें वापस जाना है, ये सदा याद रहे, इसको ही मन मना भव, मध्याची भव कहा जाता। बाबा घड़ी घड़ी याद दिलाते, बच्चे तुम्हें वापस ले जाने आया हूँ। ये है रूहानी यात्रा, ये बाप के सिवाय कोई भी करा नहीं सकता। भारत की महिमा भी करनी है, ये भारत होलीएस्ट लैंड है, सबके दुख हरता, सुख करता, सबके सदगति दाता का बर्थ प्लेस है। वही बाप सबका लिबरेटर भी है, ये बड़े से बड़ा तीर्थ स्थान है। भारतवासी भले शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु वो बाप को जानते नहीं, गांधी जी को जानते हैं, समझते हैं वो बहुत अच्छे थे, इसलिए उन पर जाकर फूल चढ़ाते हैं, लाखों खर्चा करते हैं। अब इस समय है उनका राज्य, जो चाहे सो कर सकते हैं। ये तो बाप बैठ गुप्त धर्म की स्थापना करते हैं। भारत में पहले देवताओं का राज्य था, दिखाते हैं असुरों और देवताओं की लड़ाई लगी, परंतु ऐसी बात है नहीं। यहाँ युद्ध के मैदान में माया पर जीत पाई जाती है, माया पर जीत जरूर सर्वशक्तिवान ही पहनाएंगे। बाप ही रावण राज्य से छुड़ाए, राम राज्य की स्थापना करा रहे हैं, बाकी वहाँ लड़ाई की कोई बात नहीं। बाप ही रावण राज्य से छुड़ाए, राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं, बाकी वहाँ लड़ाई की कोई बात नहीं। अभी देखो मनुष्यों में शक्तिवान क्रिश्चियन लोग हैं, वो सब पर जीत पहन सकते हैं, परंतु वह विश्व का मालिक बने ये कायदा नहीं। इस राज को तुम जानते हो, इस समय सर्वशक्तिवान राजधानी क्रिश्चियन की है, नहीं तो उनकी संख्या सबसे कम होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट में आई है, परंतु तीनों धर्मों में ये सबसे तीखा है, सबको हाथ कर बैठे हैं। ये भी ड्रामा बना हुआ है, इन द्वारा फिर हमें राजधानी मिलनी है। कहानी भी है, दो बंदर लड़े, माखन तीसरे को मिल गया, वो आपस में लड़ते हैं, माखन भारतवासियों को मिल जाता है। कहानी तो पाई पैसे की है, अर्थ कितना बड़ा है। मनुष्य एक्टर होते भी ड्रामा को नहीं जानते, इस ज्ञान को समझते फिर भी गरीब हैं, साहूकार लोग कुछ नहीं समझते। गरीब निवास पतित पावन बाप ही गाया हुआ है, अब प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहे हैं। बड़ी बड़ी सभाओं में तुम्हें समझाना है। विवेक कहता है
धीरे धीरे वाह वाह निकलेगी। लास्ट मोमेंट पर ग्रहचारी बैठती है, लाइन क्लियर नहीं है, विघ्न पड़ते रहते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिलते थे, अभी का ये गायन है, परंतु ये किसी को पता नहीं, वही फिर विश्व के मालिक बने। वही पांडव विश्व के मालिक बने। प्रैक्टिकल में तुम बच्चे जानते हो, इसमें अफसोस नहीं किया जाता। कल्प पहले भी ऐसा हुआ था, ड्रामा के पट्टे पर खड़ा रहना है। कोई भी बात का अफसोस नहीं करना, ड्रामा के पट्टे पर खड़े रहना है, हिलना नहीं चाहिए, मतलब बुद्धि योग हिलना नहीं चाहिए, अचल अडोल स्थिति रहनी चाहिए। नाटक पूरा होता है, चलते हैं सुखधाम। पढ़ाई ऐसी पढ़े जो ऊंच पद पाले, पढ़ाई ऐसी पढ़े जो ऊंच पद पाले। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे रूहानी बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, किसी भी बात का अफसोस नहीं करना, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखनी है, ग्रहचारी से अपनी संभाल करनी है, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए तोड़ निभाना है, नफरत नहीं करनी, लास्ट तक अपनी जिम्मेवारियों को निभाना है, नफरत नहीं करनी, कमल फूल समान रहना है, आस्तिक बन, सबको आस्तिक बनाना है, आस्तिक बनकर सबको आस्तिक बनाना है। वरदान है बड़ी दिल रख, सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। बड़ी दिल रख, सेवा का प्रत्यक्ष फल निकालने वाले विश्व कल्याणकारी भव। जो बच्चे बड़ी दिल रख कर सेवा करते हैं तो सेवा का प्रत्यक्ष फल बड़ा निकलता है। कोई भी कार्य करो, स्वयं करने में भी बड़ी दिल रखो, दूसरों को सहयोगी बनाने में भी बड़ी दिल हो। स्वयं प्रति व साथी सहयोगी आत्माओं प्रति संकुचित दिल नहीं रखो। बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, बड़ी दिल रखने से मिट्टी भी सोना हो जाती है, कमजोर साथी भी शक्तिशाली बन जाते हैं, असंभव सफलता संभव हो जाती है। इसके लिए मैं की बलि चढ़ा दो तो बड़ी दिल वाले विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। बलि कौन सी चढ़ानी है? मैं की बलि चढ़ा दो तो विश्व कल्याणकारी बन जाएंगे। स्लोगन है, कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। कारण को निवारण में परिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। मातेश्वरी जी के महावाक्य, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। ये महिमा किसकी गाई हुई है? अवश्य ये परमात्मा के लिए गाया है। परमात्मा खुद मात पिता के रूप में आए, इस सृष्टि को अपार सुख देते हैं। जरूर परमात्मा ने कभी सुख की सृष्टि बनाई, तभी उन्हें मात पिता कह के बुलाते हैं, परंतु मनुष्यों को ये पता ही नहीं सुख क्या चीज है। जब इस सृष्टि पर अपार सुख थे तब सृष्टि पर शांति थी, परंतु अब वो सुख नहीं है। मनुष्य कोई चाहना रहती जरूर है कि वो सुख हमें चाहिए, फिर कोई धन पदार्थ मांगते, कोई बच्चे मांगते, कोई फिर ऐसे भी मांगते हैं कि हम पतिव्रता नारी बने। हर एक की चाहना सुख की ही रहती है, तो परमात्मा भी कोई समय उनकी आश अवश्य पूर्ण करेंगे। तो सतयुग के समय जब सृष्टि पर स्वर्ग है तो वहाँ सदैव सुख है, जहाँ स्त्री कभी विधवा नहीं बनती वो आज सत्युग में पूर्ण होती है, जहाँ अपार सुख है। बाकी इस समय है कलयुग, इस समय मनुष्य दुख ही दुख भोगते हैं। बाकी जब मनुष्य अति दुख भोगते हैं, कहते हैं प्रभु का भाना मीठा लागे, मीठा करके ही भोगना है, परंतु जब स्वयं परमात्मा आके सारे कर्मों का खाता चुकतू कराते हैं तब कहेंगे तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। आज चलते फिरते अभ्यास करेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। विश्व कल्याणकारी आत्मा को बलि चढ़ानी है, मैंपन की बड़ी दिल रखनी है। एकाग्र हो जाएंगे,
मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे विश्व कल्याण की जिम्मेवारी दी है। ये कार्य विश्व सेवा का मेरा परम सौभाग्य है। मैं सूक्ष्म रूप से मैंपन की बलि चढ़ा रही हूं। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रभु आपका है। सेवा भी आपकी है, शक्ति देने वाले भी आप हैं, करण करावनहार आप हैं, सभी सहयोगी बने, सभी स्नेही बने, सबका कल्याण हो। परमात्म शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। फाउंटेन की तरह बाबा की शक्तियां मुझ में आ रही हैं। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।